नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएल हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि यूएन में नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर को कैसे चेंज करते हैं। यानी पीएफ अकाउंट में जो भी आपका नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जन्म की तिथि दी हुई है, उसको कैसे बदलेंगे, मतलब खुद से कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा देता है कि मैं जो भी वीडियो लाऊँ उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक, और ये नोटिफिकेशन लेवल को आप ऑन ऑल कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूएन के जो इस सेवा पोर्टल है उस पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है मैनेज में। मैनेज के बाद हमें मिल रहा है बेसिक डिटेल्स, मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स, इस पर जाना है। इस पर जैसे ही जाते हैं हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, नाम के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए और आपको आधार नंबर के लिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर के लिए और जेंडर के लिए चार ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले क्या था, अब क्या करना चाहते हैं, चेंज करें। तो आप जैसे ही चेंज अप्लाई करेंगे, ये तीन लेवल में इसका वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले आता है ये आपके पास, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे दिखाएगा कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, ठीक है, वेरिफिकेशन पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पास ये वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग है। और एक्शन के यहाँ पे क्रॉस बटन भी दिखेगा आपको, तो आप चाहे तो इसे, जो आपने अपडेट किया हुआ है, इसे अप्लाई किया हुआ है, इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये जैसे देख रहा है यहाँ पे एक चेंजेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे ही अपडेट करेंगे वो चला जाएगा एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर उसे जैसे ही वेरीफाई करेगा फिर चला जाएगा ईपीएफओ के ओरिजिनल ऑफिस में, जिस ऑफिस से आपका पीएफ अकाउंट ऑपरेट होता है, चलता है जहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर एंड पेंडिंग एट बीओएम, तो बॉम्बे के ये ईपीएफओ ऑफिस में वहाँ पे ये पेंडिंग है। तो ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ये दिखा देगा कि द चेंजेस हैज बीन वेरीफाइड, और प्रोफाइल में जाके आप चेंज करेंगे तो आपको ये नया वाला जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे मिल जाएगा। अब चेंज करने के लिए दो तीन चीज़ें मैंडेटरी है जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि चेंज वही कर सकते हैं जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है, मतलब अगर आपका ईपीएफ अकाउंट, पीएफ अकाउंट आधार के साथ अगर लिंक नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपका लिंक है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जिनका आधार अगर लिंक है वो चेंज करना चाहते हैं तो पहले आधार के रिकॉर्ड में करेक्शन कराना होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे सीडिंग के लिए फिर से अप्लाई करना होगा, यहाँ का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज वही कर सकते हैं जिनका आधार सीडिंग अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।